राजनांदगांव में रेलवे ट्रैक से लगे कॉलोनियों के सूने मकान में चोरी को अंजाम देने वाले 3 आदतन शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी के सोने चांदी के आभूषण एवं मोटरसाइकिल सहित 12 बोर बंदूक के 38 नग कारतूस मिले। अपने ऊंचे शौक के कारण ये चोर चोरी करते थे। तुलसीपुर रेलवे ट्रैक के पास ग्राहक तलाश करते हुए ये पुलिस के गिरफ्त में आए। राजनांदगांव शहर में लगातार सूने मकान में चोरी करने की सूचना मिलने पर थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी के मामले, एक ही रात में 3 से अधिक जगह चोरियां होने व पुराने चोर गिरोह और लोकल नेटवर्क के अपराधी की पतासाजी कर रही थी। वहीं मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग 12 बोर बंदूक के कारतूस बेचने के लिए तुलसीपुर रेलवे फाटक के पास ग्राहक तलाश रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर 3 व्यक्ति जो कारतूस बेचने घूम रहे थे उन्हें पकड़कर उनसे पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो आरोपियों ने बताया कि वह अपने ऊंचे शौक के लिए रेलवे ट्रैक के पास सुने मकानों में चोरी को अंजाम देते थे। उन्होंने ममता नगर व तुलसीपुर में चोरी करना कबूल किया। आरोपी मुकेश, मोनू और राजेश निवासी बिलासपुर के पास 1 जोड़ी सोने की बाली, 38 नग, 12 बोर बंदूक के कारतूस, 1 कलाई घड़ी, 1 नग मंगलसूत्र व लॉकेट बरामद किया गया। 3 संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं और ये कारतूस बेचने के फिराक में घूम रहे हैं। इस पर वहाँ पर हमारी टीम पहुंची और घेराबंदी करके तीनों को पकड़ा गया। उनसे सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने जो बिलासपुर का रहने वाला बताया, जिसमें से एक शशिकांत है, एक मुकेश है और एक राजेश, जो 2 तोरवा क्षेत्र के, 1 सरकंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके पास से जो 1 नग सोने की अंगूठी, 1 नग पायल, 1 नग लॉकेट और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 38 नग 12 बोर के राउंड बरामद हुए हैं जो यहाँ की चोरी में गए हुए थे। और कुल मिलाकर 1.5 लाख के आसपास का मसरूका बरामद किया गया है और इनसे विधिवत पूछताछ की जा रही है और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। जनवरी माह में थाना कोतवाली अंतर्गत रामनगर और ममता नगर में 3 चोरियाँ हुई थी, जिसमें ताला तोड़कर अपराधियों ने घर का जो सोने चांदी के जेवरात और एक एक्स जो आर्मी मैन के घर से 12 बोर के राउंड चोरी करके ले गए थे। इसमें हमारी जो कोतवाली पुलिस लगी हुई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिसमें सीएसपी सिविल लाइन के नेतृत्व में सीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में हमारी टीम लगी हुई थी और लगातार विभिन्न जगहों में भी बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर क्षेत्र में भी अपराध दर्ज किए हुए थे। इनके पूर्व के रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड और भी खंगाला जा रहा है और यहाँ जो शहर में और भी चोरियाँ हुई हैं उस संबंध में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। कोई भी अगर जानकारी मिलती है तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। For more information, log on to www.clips.in.